मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के चूहा पुल से खाड़ी में 3 मार्च को रोहित गुप्ता 27 वर्षीय नाम के एक युवक ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, मगर उसकी डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चल रहा था। आज चौथे दिन रोहित गुप्ता की लाश खाड़ी से बरामद की गई है। आपको बता दें कि दमकल विभाग और NDRF की टीम ने कई बार खाड़ी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, मगर रोहित गुप्ता की डेड बॉडी इन्हें नहीं मिली। आज दोपहर के वक्त आनंद कोलीवाड़ा के रहने वाले अर्जन दादा और इनकी टीम मछली पकड़ने के लिए खाड़ी में गई थी। इसी दौरान चूहा पुल के पास एक ढाबा है और उसके पीछे ही खाड़ी में एक पेड़ में जो है रोहित गुप्ता की लाश फंसी हुई थी, जिसके बाद इन मछुआरों ने इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दिया और डेड बॉडी खाड़ी से बाहर निकाला गया। हालांकि रोहित गुप्ता के पिता राजकुमार गुप्ता ने डेड बॉडी की पहचान अपने बेटे रोहित गुप्ता के रूप में कर ली है और मौके पर पहुंचे पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक रोहित गुप्ता के पिता राजकुमार गुप्ता और मछुआरे अर्जन दादा ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। राजकुमार भाई, आपका जो बेटा था रोहित, वो 3 तारीख को चूहा ब्रिज से खाड़ी में छलांग लगाया था, आज एक डेड बॉडी मिली है, क्या आपने पहचान की कि वो उसी की डेड बॉडी है? नहीं, हमारा बेटा है। आपका ही बेटा है, पहचान की आपने? कितने बजे डेड बॉडी मिली? अभी एक घंटे पहले, आधा पौने दो रहेगा, आधे पौने घंटे पहले। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि ऐसा क्या आखिर हुआ था कि क्यों उसने ऐसा कदम उठा लिया, इसके बारे में कुछ? वो मेरे समझ नहीं आया, क्यों? यानी कि आज जो डेड बॉडी मिली है वो हमारे बेटे का है। अर्जुन दादा, ये जो डेड बॉडी मिली आपको कहाँ पर मिली और कैसे कब मिली, इतना समझ? हमारे बच्चे लोग आज 2 दिन से हम लोग ढूंढ रहे थे बॉडी, हम लोग ने बालकुम से लेके कसली ब्रिज वगैरह सब मारे, 2 दिन से ढूंढ रहे थे, लेकिन आज हमारे सब बच्चे लोग 2 दिन से कोई खाड़ी में नहीं गए था, तो आज मछली पकड़ने उतर गए थे, तो वो अपना डंपिंग ग्राउंड है ना साबे गांव का, वहाँ मछली मारने गया था, तो वो आते आते इसको ये ढाबे के पीछे बॉडी दिखी झाड़ में फंसेली, तो मेरे को वो रमेश ने फ़ोन किया, रमेश को लिए उसने मेरे को फ़ोन किया, तो फिर मैं क्या किया, घर से निकला, बोला वही बॉडी है, शादी से करूँ, फिर उसके बाद में उनके घर वालों को और फाइटर वाले पुलिस वालों को फ़ोन करूं, आया देखा तो वही बॉडी थी, तो फिर उनके घर वालों को फ़ोन किया और फाइटर वाले को। परिवार के लोगों ने पहचाना? हाँ, परिवार के उनके अब्बा है, पिताजी है उनके, उन्होंने ये किए देखे, हाँ बोलते हैं बेटा, बोलते बहुत वही है, बोलते वही है, हाँ वही बॉडी, और ये अपना सैंडी, ये भी 2 दिन से हमारे साथ में था, इन्हीं को मिली थी डेड बॉडी? हाँ, बॉडी इन्हीं को मिले था? नहीं नहीं, अच्छा ये साथ में। अच्छा, ये लोग हाँ, ये रमेश कोली है, मेरे फुफ्के लड़का है, मछली पकड़ने गया था।